न्यूजीलैंड से आ रही बिग अपडेट। 1 अक्टूबर 2024 से न्यूजीलैंड में रह रहे सिटीजन्स या फिर रेजिडेंट्स के पार्टनर्स को अगर वो वर्क या फिर विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं, उनके लिए वीजा ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स से बढ़ाकर 3 ईयर्स कर दी जाएगी। ये चेंजेस न्यूजीलैंड में रह रहे स्टडी वीजा पर या फिर वर्क वीजा जैसे टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए काफी ग्रेट चांस है, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड जो फीस है रेजिडेंसी को अप्लाई करने के लिए, उसमें उनको एक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। इन न्यू रूल्स के साथ जो टेम्पररी रेजिडेंट कैटेगरी है उनके जो स्पाउसेस हैं या उनके जो पार्टनर्स हैं उनका भी वीजा अलाइन करना ही इसका मेन जो पर्पस रहेगा। न्यू 3 ईयर वीजा रूल जो है ये 1 अक्टूबर 2024 को या फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन सबमिट होंगी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट उनके ऊपर लागू होगा। और उसके साथ साथ जिनका ऑलरेडी जो डिसीजन वो पेंडिंग है, जिनका अभी भी वेटिंग में था, उनके ऊपर भी ये रूल इम्प्लीमेंट होगा। हालांकि जो करंट वीजा हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होंगे, अगर कपल्स चाहें तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये एफर्ट्स बेसिकली इमिग्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हैं एंड न्यू स्किल्स एंड टैलेंट्स को लाकर न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी है। अगर आप या आपके पार्टनर का भी वीजा रीअप्लाई होने वाला है तो आज ही हमारे साथ कंसल्ट कीजिए और अपना 2 ईयर्स का वीजा 3 ईयर्स में कन्वर्ट करिए। और मोर सच वीडियोस जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल।